जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 51वां विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने 1971 के भारत पाक युद्ध में जनपद में शहीद सैनिकों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उप महाद्वीप के इतिहास में 1971 की जो इंडो पाक लड़ाई, इंडो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, रण कौशल और बहादुरी की ये अभूतपूर्व कहानी है। कभी किसी ने, दुनिया के किसी भी देश ने कभी नहीं सोचा होगा कि 13 दिन की चलने वाली इस लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स भारतीय सेना के सामने सरेंडर करेंगे। तो मैं समस्त जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को विजय दिवस की ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करती हूं। और आज 51वां हमारा ये विजय दिवस था। इस अवसर पर यहां पे बच्चों के द्वारा और सैनिक कल्याण के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुए। और मैं अपनी इस उत्तराखंड को और अपने देश को ये संदेश देना चाहूँगी कि आने वाली पीढ़ियों को हम अपने देश के प्रति एक सजग करें कि हमने किस प्रकार से, हमारे जो पहले के सैनिक थे, जो लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए कैसे अपना समर्पण किया था। तो ये जो दिवस का कार्यक्रम हुआ, जो सोल्जर जो सर आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने जो बात रखी 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसकी जो विजय गाथा बताई, वो सुन के हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे इतने बहादुर सोल्जर्स हैं। ये ऐसा लगा कि बस कि ये सब हमारे सामने ही हो रहा है, जो जब वो अपनी गाथा बता रहे थे।